हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे SST। ये आपकी बुक का नाम है अ यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़। पहले हम इसका कंटेंट देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपके पीए फर्स्ट में आपके कितने चैप्टर आ रहे हैं? चार चैप्टर, जिसमें से आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंडिया आवर कंट्री। पेज नंबर फिफ्थ पे चैप्टर ओपन कर लेते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंडिया आवर कंट्री, यहाँ पर आप पार्ट फर्स्ट लिखेंगे, यहाँ अंडरलाइन करेंगे उसे। फिर उसके बाद यहाँ पर उस दिन की डेट मेंशन करेंगे जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, ठीक है ना। इंडिया आवर कंट्री, इंडिया स्ट्रेचेज फॉर अबाउट 3,240 किलोमीटर्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। अब ये पहले इंडिया की डिस्टेंस मतलब डायरेक्शंस, ये सब इन सब के बारे में बताएंगे, ठीक है। इंडिया के बारे में बता रहे हैं, इंडिया स्ट्रेचेज फॉर अबाउट 3,214 किलोमीटर्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। अब हम जो है इंडिया की जो है डिस्टेंस बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर से लेके हमारे ये राइट क्या होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जम्मू कश्मीर कहाँ है? इस जगह, यहाँ से लेके हम पूरा अरुणाचल प्रदेश तक क्या कर रहे हैं, कन्याकुमारी तक बता रहे हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, 3,214 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर नॉर्थ से लेकर कन्याकुमारी साउथ तक। और इट्स ब्रेथ्स, उसकी चौड़ाई के बारे में बता रहे हैं, यानी ये चीज़। फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट, वेस्ट यानी गुजरात वेस्ट साइड से लेकर ईस्ट तक, अरुणाचल प्रदेश तक इन द ईस्ट, कितनी है इसकी, 2,933 किलोमीटर, यानी 2,933 किलोमीटर है इसकी चौड़ाई है। और 3,214 किलोमीटर्स इसकी लंबाई है इंडिया की, कहाँ से, नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट इसकी चौड़ाई बताइए। दीज विथ ऑफ इंडिया डिक्रीजेज एज वेल वी मूव टूवर्ड्स द साउथ। और ये जो चौड़ाई है, विथ जो है इसकी, इंडिया के यहाँ से यहाँ तक जो विथ है, अगर हम साउथ की तरफ जाएंगे तो ये डिक्रीज़ करने लगेगी, मतलब देखिए पतली होती चली जा रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये इंडिया की विथ जो है, ये चौड़ाई जो है इंडिया की, ये पतली होती चली जाएगी हम उसकी तरफ जाएंगे, जब साउथ की तरफ। तो ये कह रहे हैं द विथ ऑफ इंडिया डिक्रीजेज एज वी मूव टूवर्ड द साउथ, साउथ की तरफ हम जैसे जैसे मूव करेंगे, इंडिया की विड्थ, इंडिया की चौड़ाई कम होती चली जाती है। इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया इज़ द 7th largest country इन द वर्ल्ड। इंडिया क्या है, 7th largest country में से आता है, 7th number पे है लार्जेस्ट कंट्री में इंडिया, ठीक है। सबसे बड़ी कौन सी है, रशिया, उसके बाद ऐसे बहुत सी कंट्रीज़ हैं, और सब जो 7th number पे आता है वो इंडिया आता है हमारा, 7th largest countries में, ठीक है। इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन के हिसाब से मतलब उसमें आबादी कितनी है, इसके हिसाब से इंडिया इज़ द 2nd largest country इन द वर्ल्ड, ओनली नेक्स्ट टू चाइना। पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया 2nd largest है, फर्स्ट पे कौन है, चाइना है। चाइना की सबसे ज़्यादा आबादी है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना के अंदर है, सबसे ज़्यादा लोग मतलब वहाँ रहते हैं, आबादी वहाँ की। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आता है, इंडिया आता है पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। अब ये इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ के नाम बताए हैं, मतलब जो इंडिया है अपनी बाउंड्रीज़ किससे शेयर करती है। देखिए बाउंड्रीज़ मतलब इंडिया किस, इसके बराबर में कितने और जो है स्टेट्स हैं, ठीक है। इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद पाकिस्तान, ये किससे अपने बॉर्डर शेयर करता है, पाकिस्तान से, और नेपाल और अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सबसे क्या करता है, अपने नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इसकी ये, और इनसे ये अपनी बाउंड्रीज़ शेयर करता है, ठीक है। मतलब इनकी बाउंड्रीज़ आपस में जुड़ी हुई हैं। एंड आर द आइलैंड नेबर्स अक्रॉस द हाई सीज, और यहाँ जो हाई सीज हैं ये जो हैं इसके जो आइलैंड्स हैं इनसे भी ये बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट पेज पे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ क्या होते हैं। इंडिया हैज़ 29 states, इंडिया के अंदर कितने स्टेट हैं, 29, पहले जो है कुछ साल पहले 28 थे, उसके बाद फिर एक और आया जिस, फिर उसके बाद हमने कहा तेलंगाना, ये जो है तेलंगाना आपका लेट आया है, एक दो साल पहले ही आया है, इसके पहले ये 28 थे, ठीक है। अब कितने हैं इंडिया के अंदर, 29 states, और 7 union territories हैं, इंक्लूडिंग नेशनल कैपिटल टेरेटरी ऑफ दिल्ली।
सात यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया की, 29 स्टेट हैं, जिसके साथ कैपिटल टेरिटरी है दिल्ली की, ठीक है। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली किसकी कैपिटल है? इंडिया की, ये इंडिया की कैपिटल है, ठीक है। द स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स आर लिस्टेड इन द टेबल्स। अब ये स्टेट्स और कैपिटल्स के नाम हैं, ये आपको याद होने चाहिए। यहाँ वन से लेकर स्टार्ट हैं, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद, ये स्टेट्स दिए हैं, ये कैपिटल्स नेम दिए हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, आसाम की दिसपुर, ऐसे ही ये सब आपको याद होने चाहिए, ठीक है। यहाँ 25 तक है, नेक्स्ट पेज पे फिर ये 26 से लेकर 29 तक हैं, ये आपको याद होने चाहिए। द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल्स आर लिस्टेड बिलो। अब यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज और उसकी कैपिटल्स की नाम दिए हुए हैं, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इस ये यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसकी कैपिटल का नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। सेकेंड है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का क्या है कैपिटल? कवरत्ती। पुडुचेरी, पुडुचेरी का क्या है? इसका पुडुचेरी ही है, ठीक है। दमन एंड दीव, इसका क्या है? दमन। ये कैपिटल्स हैं, ये सब यूनियन टेरिटरी के नाम हैं। दादरा एंड नगर हवेली, इसका क्या है? सिलवाजा। चंडीगढ़, चंडीगढ़ का क्या है? चंडीगढ़ का कैपिटल चंडीगढ़ है। दिल्ली का न्यू दिल्ली। नाउ नेक्स्ट पेज, फिज़िकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। इंडिया के फिज़िकल डिवीज़न के हिसाब से देखें, मतलब फ़िज़िकल डिवीज़न कैसा है, फिज़िकली वो कैसे डिवाइड है, उसे हमने कैसे बांटा है इंडिया को, ठीक है। इंडिया, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया आपको जैसे हमें सबको ही पता है एक बड़ी कंट्री है, बहुत ही बड़ी कंट्री, ठीक है। इट लैंड फॉर्म्स ऑल्सो डिफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसकी लैंड फॉर्म मतलब इसकी जो ज़मीन है वो एक जगह से, इंडिया जो इतनी बड़ी कंट्री है, इसकी लैंड फॉर्म इंडिया के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह अगर हम मूव करेंगे तो वो चेंज हो जाएगी। मतलब एक जगह हम गए तो वहाँ पर लैंड फॉर्म अलग है पैटर्न उसका, दूसरी जगह गए तो वहाँ पर लैंड फॉर्म अलग पाएंगे हम। तो वही कह रहे हैं कि इट्स लैंड फॉर्म ऑल्सो डिफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने पर उसकी लैंड फॉर्म भी चेंज होती है, डिफर करती हैं, एक दूसरे से अलग हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फीचर्स, फिजिकल फीचर्स के हिसाब से इंडिया कैन बी डिवाइडेड इन द फॉलोइंग फिजिकल डिवीज़न। इंडिया कितने डिवीज़न में डिवाइड हो सकती हैं वो गिवन बिलो यहाँ पर हैं सब। ये फिजिकल डिवीज़न बताएं कि कितने पार्ट में, किस किस के बेस पर हम जो है इंडिया को डिवाइड कर सकते हैं फिजिकली। पहला द नॉर्थन प्लेन, क्या है? नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन अलग है, इंडिया को एक नॉर्दर्न माउंटेंस, नॉर्दर्न माउंटेंस एक हिस्सा अलग इंडिया का डिवाइड कर दिया। ये फिजिकली हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब अगर हम कहें कि नॉर्दर्न प्लेन तो इंडिया का अलग हिस्सा आ जाएगा यहाँ पर, नॉर्दर्न प्लेन इस साइड, नॉर्दर्न माउंटेन भी इस साइड, नॉर्दर्न माउंटेन जहाँ पर हिमालय और ये सब आते हैं, ठीक है, माउंटेनियस रीजन जो हैं। द ग्रेट इंडिया डिज़र्ट और द थार डिज़र्ट, और अगर हम डिज़र्ट की बात करें, डिज़र्ट के हिसाब से अगर इंडिया का एक पोर्शन लें तो थार डिज़र्ट आ जाता है उसमें। और द सदर्न प्लेट्यूज की बात करें, ये सब द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड्स, इन सब को लेकर हम फिज़िकली डिवाइज करते हैं, डिवाइड करते हैं इंडिया को, मतलब फिज़िकल डिवीज़न है ये, ठीक है। द ह्यूज हिमालयन माउंटेन्स सेपरेट इंडिया फ्रॉम मच ऑफ द रेस्ट ऑफ एशिया। अब हिमालय से क्या फ़ायदा है? हिमालय जो पहाड़ है, जो माउंटेन है, वो क्या करता है? सेपरेट करता है इंडिया को किससे? बाकी एशिया के कंट्रीज से, ठीक है। एशिया के अंदर क्या क्या आते हैं? ऐसे एशिया के अंदर बहुत सी कंट्रीज आती हैं, देख उसमें हमारा इंडिया भी आता है। तो यहाँ पर देखिए पीछे आप मैप में फर्स्ट पेज पर, ये हमारा क्या है पूरा? ये हमारा एशिया है, ठीक है। इसके अंदर इंडिया, चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब आ जाती हैं। मगर यहाँ पर जो हमारा वो है माउंटेन हिमालय, उससे हमारी बाउंड्रीज़ कवर हो जाती हैं, हम बाकी स्टेट से हमारी बाउंड्री जो है मेंटेन हो जाती है बीच में, ठीक है। एक डिवीज़न है हमारा हिमालय माउंटेन सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम मच ऑफ द रेस्ट ऑफ एशिया। इन हिमालय माउंटेन जो है, हिमालय जो पहाड़ है, उसने हमारे इंडिया को सेपरेट कर रखा है, अलग कर रखा है बाकी जो एशिया के बचे हुए हैं, ठीक है। बाकी जो फ्रॉम मच ऑफ द रेस्ट ऑफ एशिया, मतलब एशिया के जो बाकी बचे हुए स्टेट्स हैं, ठीक है। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम चिलिंग कोल्ड विंड्स। और हिमालय हमें किससे बचाता है? जो सर्द ठंडी हवा जो आती है, कोल्ड विंड्स आती हैं, चिलिंग कोल्ड विंड्स, उससे हमें और बचाता है ये। क्योंकि जो जब विंटर सीज़न होता है, जब ठंड का मौसम आता है, तो क्या होता है? ठंडी हवा चलती है तो कोल्ड विंड्स
नॉर्थ की तरफ से इंडिया के अंदर एंटर करना चाहती हैं, मगर हिमालय माउंटेन के होने की वजह से, उसकी ऊंचाई की वजह से कोल्ड विंड्स नहीं आ पाती हैं, ठीक है, बर्फ़ नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से हम ठंड से बचते हैं। इसलिए हिमालय माउंटेन का एक और फ़ायदा है ये, वो हमें चिलिंग कोल्ड विंड से बचाती है। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ अ पेनीसुला, और जो ये सदर्न पार्ट है इसे, ये पेनीसुला है, ठीक है, और इट इज़ सराउंडेड बाई द बे ऑफ बंगाल अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट, द अरेबियन सी अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट, एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ, एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ। पेनिसुला से कहते हैं, पेनिसुला एक ऐसा वाटर, ऐसा लैंडफॉर्म कहते हैं, पेनिसुला उस लैंडफॉर्म को कहते हैं जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। तो ये एक दो तीन, ये तीन तरफ से घिरा है, इसलिए हम इसे पेनिसुला कहते हैं। अब उसके नाम बताएं कि पेनिसुला जो है वो किस किस से सराउंड है, मतलब किस किस से घिरा हुआ है। इट इज़ सराउंडेड बाई द बे ऑफ बंगाल, ये किस से घिरा हुआ है, बे ऑफ बंगाल हेयर राइट साइड, ठीक है, अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट, ईस्ट साइड। कोस्ट कहते हैं वो किनारा जो पानी के किनारे हो, लैंड फॉर्म, वो ज़मीन का हिस्सा जो कोस्टल एरिया में आ जाता हो, ये कोस्टल एरिया कहलाता है, पानी का किनारा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो बे ऑफ बंगाल है वो ईस्ट कोस्ट को सराउंड करके रखता है, और द अरेबियन सी अलॉन्ग वेस्ट कोस्ट, और जो अरेबियन सी है वो वेस्ट कोस्ट यानी वेस्ट वेस्ट साइड जो सराउंड करती है वो अरेबियन सी है, एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ, और साउथ में इंडियन ओशन सराउंड करता है। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन बिकॉज सदर्न इंडिया इज़ सराउंडेड बाई सी ऑन थ्री साइड्स। इंडिया क्या है, इंडिया के बहुत ज़्यादा लंबी कोस्ट लाइन्स हैं। कोस्ट लाइन्स मैंने जैसे अभी बताया, कोस्ट लाइन्स उस एरिया को कह रहे हैं, उस बाउंड्री को कह रहे हैं, इस लाइन को कह रहे हैं एक तरह से कोस्ट लाइन, जो कि पानी के किनारे हो, मतलब जो लैंडफॉर्म पानी से जुड़ा हुआ हो, पानी उसकी जो है, मतलब उसका जो लास्ट है, उसकी जो बाउंड्री है वो वाटर से मिल रही हो, पानी से मिल रही हो, ठीक है। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन बिकॉज सदर्न इंडिया इज़ सराउंडेड बाई सी ऑन थ्री साइड्स, और इंडिया की, इंडिया जो है उसके पास लॉन्ग कोस्ट लाइन है, बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, क्यों, क्योंकि उसकी जो तीन साइड हैं, इंडिया की जो वेस्टर्न साइड है, सॉरी साउदर्न साउथ जो साइड है इंडिया की, सदर्न इंडिया जो है हमारा, वो तीन तरफ से पानी से घिरा है, ठीक है, सी से यानी समुंदर से घिरा हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि इंडिया की बहुत लंबी जो है हमारी कोस्ट लाइन है, लॉन्ग कोस्ट लाइन है इंडिया के पास। द कैप कोमोरिन नियर कन्याकुमारी इज़ द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया मेन लैंड, इंडिया की जो इंडिया मेन लैंड की जो कन्याकुमारी के पास क्या है, क्या कैप कोमोरिन नियर कन्याकुमारी, कन्याकुमारी के पास कैप कोमोरिन जो है वो सदर्न मोस्ट, द कैप कोमोरिन नियर कन्याकुमारी इज़ द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया मेन लैंड, इंडिया मेन लैंड की, इंडिया की जो है सदर्न मोस्ट टिप है, मतलब आखिरी हिस्सा है, सदर्न मोस्ट टिप आखिरी हिस्सा सदर्न मोस्ट का, सदर्न पार्ट का, जो कैप कोमोरिन नाम है उसका, ठीक है, क्या नाम है, कैप कोमोरिन नियर कन्याकुमारी, कन्याकुमारी के पास जो कैप कोमोरिन है वो सदर्न मोस्ट टिप है इंडिया मेन लैंड की। वाइल द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन, और इंडियन यूनियन का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो क्या है, इंदिरा पॉइंट है इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड क्या है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है किस इंडियन यूनियन का, ठीक है, कहाँ पर, वाइल इन द वाइल द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो इंदिरा पॉइंट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर वो है सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडियन यूनियन का। द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज राजस्थान, अब लार्जेस्ट स्टेट जो इंडिया का है वो क्या है, राजस्थान है, एंड द स्मॉलेस्ट इज़ गोवा, और जो सबसे छोटा स्टेट है इंडिया का वो क्या है, गोवा। द सेवन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो सेवन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, जैसे पहले इनके नाम बताएं, पॉपुलरली कॉल द सेवन सिस्टर्स, उन्हें क्या कहा जाता है, पॉपुलरली कॉल द सेवन सिस्टर, उन्हें हम सेवन सिस्टर कहते हैं, सात बहनों के नाम से उन्हें जाना जाता है। वो कौन कौन से हैं, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, ये सात स्टेट हैं ऐसे जो के जिन्हें सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, इन्हें क्या कहते हैं हम, सेवन सिस्टर्स कहते हैं। द सेवन नॉर्थ ईस्टर्न प्ले स्टेट्स ये कहाँ आते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जिन, इन सब के नाम यहाँ आपको दिए हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सेवन सिस्टर्स कहते हैं, इन सात चारों सातों को सात बहनों के नाम से जाना जाता है। अब इसकी हम एक्सरसाइज कर लेते हैं,
आपको टिक द करेक्ट ये बुक में ही रहनी देनी है, और यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे फिल इन द ब्लैंक्स आपको बुक में ही करना है, और ट्रू फॉल्स ये भी आपको बुक में करने हैं। ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं, ये आपको कॉपी में करने हैं। पहले हम टिक द करेक्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टिक द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट, इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू डैश स्टेट्स। इंडिया कितने स्टेट्स में डिवाइड है? अभी जैसे हमने पीछे पढ़ाया आपको, इंडिया कितने स्टेट में डिवाइड है? 29। देखिए यहाँ पर पहले पेज पहली इस पे ही दिया है, पहली लाइन में इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स। कितनी स्टेट हैं? 29 स्टेट्स। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो यहाँ पर हम टिक कर देंगे। सेकंड, द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज़, अभी ये मैंने जस्ट अभी पढ़ाया है, द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज़ राजस्थान। स्मॉलेस्ट क्या है? गोवा। तो हमें क्या पूछा है? लार्जेस्ट स्टेट पूछा है, तो क्या होगा? राजस्थान। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, राजस्थान। नाउ थर्ड, कावरती इज़ द कैपिटल ऑफ, कावरती किसकी कैपिटल है? ये लक्षद्वीप की कैपिटल है, और लक्षद्वीप क्या है? यहाँ पर आपका यूनियन टेरिटरी है, और इसकी कैपिटल है कावरती। क्या हो गया? कावरती इज़ द कैपिटल ऑफ, कावरती कैपिटल है किसकी? लक्षद्वीप की। तो इस पर हमारा ऑप्शन ए ठीक है, तो इस पर हम टेक कर देंगे। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ आ, जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, जो सदर्न हिस्सा है इंडिया का, वो क्या है? प्लेट्यू है, प्लेन है, या पेनिसुला है? तो सदर्न पार्ट क्या है इंडिया का? पेनिसुला है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स, ये आपको हेल्प बॉक्स दिया है, इसे यूज करके हमें इसे फिल करना है। फर्स्ट, इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया इज़ द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। एरिया के हिसाब से इंडिया कौन सी कंट्री है, कितनी बड़ी कंट्री है, कितने किस नंबर पे आती है? मतलब तो इसमें क्या है? कोस्ट लाइन, सेवेंथ, इंदिरा पॉइंट, भोपाल, उत्तर प्रदेश। तो हमें पता है कि कंट्री, हम इंडिया को अगर हम एरिया के हिसाब से देखते हैं तो सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। इज इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया इज़ द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में। सेकेंड, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ, लखनऊ किसकी कैपिटल है? उत्तर प्रदेश। थर्ड, इंडिया हैज़ अ लॉन्ग डैश, इंडिया के पास क्या है? कोस्ट लाइन, लॉन्ग कोस्ट लाइन है। क्यों? क्योंकि तीन हिस्से इंडिया के, जिसे हम कहते हैं पेनिनसुला जो पार्ट है इंडिया का, वो जो है तीन तरफ से सी से घिरा हुआ है, समुंदर से घिरा हुआ है, इसलिए उसके पास लॉन्ग कोस्ट लाइन है, ज़्यादा कोस्ट लाइन है, ज़्यादा लंबी कोस्ट लाइन है। डैश इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन, इंडियन यूनियन का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? अभी मैंने आपको बताया था इंदिरा पॉइंट, क्या है? इंदिरा पॉइंट। फिफ्थ, डैश इज़ द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। तो यहाँ पर भोपाल फिल कर देंगे। अब देखते हैं हम ट्रू फॉल्स, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। हमें क्या करना है? यहाँ पर टी लिखना है ट्रू स्टेटमेंट के लिए, और एफ लिखना है जो यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट होंगे, यानी जो गलत स्टेटमेंट होंगे। फर्स्ट, इंडिया, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। ये कह रहे हैं कि जो इंडिया है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है एरिया के हिसाब से पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरा जो वर्ल्ड है उसके हिसाब से इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, और हमने क्या पढ़ा है? सेवन्थ लार्जेस्ट। तो ये तो फॉल्स हुआ, क्योंकि इंडिया इज़ द सेवन्थ लार्जेस्ट, यानी सातवीं। यहाँ क्या दिया है? सेकेंड, यानी दूसरी। तो ये गलत है, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? एफ, यानी फॉल्स। नाउ सेकेंड, भोपाल इज़ द कैपिटल ऑफ मेघालय, नहीं, भोपाल कैपिटल ऑफ मेघालय नहीं है, भोपाल इज़ द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। भोपाल किसकी कैपिटल है? मध्य प्रदेश की। यहाँ पर क्या कहा दिया गया है? भोपाल जो है कैपिटल है मेघालय की, मेघालय की कैपिटल भोपाल नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स, यहाँ लिख देंगे एफ। थर्ड, श्रीलंका एंड मालदीव्स आर द आइलैंड नेबर्स अकर्स द हाई सीज। जो श्रीलंका और मालदीव्स हैं वो आइलैंड नेबर हैं अक्रॉस द हाई सीज, हाई सीज के आइलैंड्स नेबर हैं, तो ट्रू। श्रीलंका और मालदीव्स क्या है? हमारे आइलैंड्स नेबर हैं, तो इसका ट्रू है, टी लिख देंगे। द हिमालयाज प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम चिलिंग कोल्ड विंड्स, जो हिमालय माउंटेन है वो हमें चिलिंग कोल्ड विंड से बचाता है, जो ठंडी चिलिंग हवा आती है, चिल हवा आती है जो, उससे हमें इंडिया को हिमालय हमें बचाता है, ठीक है। तो ये ट्रू है, हिमालय चिलिंग कोल्ड विंड्स को प्रोटेक्ट करता है, यहाँ आने से रोकता है, तो इसका आंसर ट्रू है, तो यहाँ पर टी फिल कर देंगे। नाउ फिफ्थ, इंडिया हैज़ 9 यूनियन टेरिटरीज, इंडिया के पास कितनी यूनियन टेरिटरीज थे? यहाँ पर 9 दी हैं, हमने आपको कितनी पढ़ाई हैं यहाँ पर ऑन पेज नंबर 7, द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल्स, कितनी हैं? 7।
इंडिया हैज़ 7 यूनियन टेरेटरीज और यहाँ पर कितना दिया है 9, तो ये फॉल्स होगा इसलिए हम यहाँ पर एफ फेल कर देंगे। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये आपको कॉपी में करने हैं, इसके लिए हम कॉपी ओपन कर लेते हैं। कॉपी ओपन करके यहाँ पर सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे आप, पार्ट फर्स्ट, और इसे अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर डेट किस दिन की लिखेंगे, जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो जाएगी आपको, जिस दिन ये वीडियो अपलोड मिलेगी यूट्यूब पर, ठीक है, जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो जाएगी उस दिन की यहाँ पर डेट लिखेंगे। फिर यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट अंडरलाइन, देन चैप्टर नेम इंडिया आवर कंट्री, इसे भी अंडरलाइन करेंगे। अब यहाँ पर हेडिंग लिख लिए आप, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फिर उसके बाद क्वेश्चन वन उतारिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द लोकेशन ऑफ इंडिया, इंडिया के लोकेशन पर क्या करना है हमें, शॉर्ट नोट लिखना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द लोकेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की लोकेशन पर शॉर्ट नोट लिखना है, उसके बारे में बताना है, लोकेशन बतानी है, कितना लंबा है इंडिया का, मतलब कि लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, वही जो भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। आंसर फर्स्ट, इंडिया स्ट्रेचेज फॉर अबाउट 3,214 किलोमीटर्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू द कन्याकुमारी इन द साउथ, इट्स ब्रेथ फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट इज 2,933 किलोमीटर्स। अभी मैंने ये तो स्टार्टिंग में ही लिखा है बुक के, अभी पहले मैं बुक में दिखा देता हूँ ये कहाँ से मैंने लिया है आंसर, स्टार्टिंग में ही है यहाँ पर, इंडिया स्ट्रेचेस से लेकर पूरा साउथ यहाँ किलोमीटर्स तक, ठीक है। ये आपका क्या बताया है इसने, लोकेशन बताई है, मतलब इंडिया की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, लोकेशन बताई है। फिर से कॉपी में देखिए, इंडिया स्ट्रेचेस फॉर अबाउट 3,214 किलोमीटर्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू द कन्याकुमारी इन द साउथ, ये कह रहे हैं 3,214 किलोमीटर लंबाई है जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी नॉर्थ से लेकर साउथ तक। और उसकी चौड़ाई के बारे में बात करें अगर हम, तो इंडियाज इट्स ब्रेथ फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट, यानी ईस्ट से वेस्ट तक जाए, यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक जाए, तो इसकी लंबाई, सॉरी इसकी चौड़ाई कितनी है, 2,933 किलोमीटर। तो इसकी लोकेशन हो गई, मतलब हमें डिस्टेंस से लोकेशन कैसे पता चली, क्योंकि हमें पता है कि ये इतनी दूर है, यानी इतना चौड़ा है इंडिया, तो हमें पता चल गया कि इसकी लोकेशन इसके अंदर आ रही है, इसकी चौड़ाई 2,933 किलोमीटर के अंदर आ रही है, इसकी लंबाई 3,214 किलोमीटर के अंदर आ रही है, मतलब इतनी लोकेशन इंडिया की तय है, इतनी चौड़ाई है, इतनी लंबाई है, ठीक है, तो हमें लोकेशन बताइए। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, यहाँ पर देखिए, राइट द नेम्स ऑफ द वाटर बॉडीज दैट सराउंड इंडिया, इंडिया को जो हिंदुस्तान को वाटर बॉडीज जो पानी का जो एरिया है वो घेरता है उसका नाम बताइए, जो इंडिया को वाटर बॉडीज़ कवर करती है, जो सराउंड्स करती है, उसके नाम बताने हैं हमें। द नेम्स, आंसर यहाँ पर लिखेंगे एक लाइन छोड़ के, द नेम्स ऑफ वाटर बॉडीज़ दैट सराउंड इंडिया आर, अब हमने नाम दिए हैं वाटर बॉडीज़ के जो कि इंडिया को सराउंड्स कर रहे हैं आर, उसके बाद द बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशियन, कौन कौन से हैं, ये तीन वाटर बॉडीज़ हैं जो इंडिया को घेरती हैं चारों तरफ से, सराउंड मतलब घेरना, ठीक है, कवर करना साइड से, कौन कौन सी हैं, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशियन, ये तीन वाटर बॉडीज़ हैं जो कि इंडिया को सराउंड्स करती हैं, कौन सी, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशियन। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, विच स्टेट हैज़ टू कैपिटल, राइट द नेम्स ऑफ द कैपिटल, बुक में देखिए, विच स्टेट हैज़ टू कैपिटल्स, राइट द नेम ऑफ द कैपिटल, अब ये पूछा इन्होंने कौन सा स्टेट है जिसकी दो कैपिटल हैं और उसका नाम भी बताइए उन कैपिटल्स का, तो इसका आंसर नंबर थ्री, जम्मू एंड कश्मीर हैज़ टू कैपिटल्स, जम्मू और कश्मीर की क्या है, जम्मू एंड कश्मीर इसकी दो कैपिटल्स हैं, नेम ऑफ द कैपिटल, अब मैंने नेम ऑफ द कैपिटल करके लिखा है, कौन कौन सी हैं, श्रीनगर एंड जम्मू, जम्मू और कश्मीर की जो कैपिटल हैं दो हैं, कौन कौन सी हैं, एक श्रीनगर और जम्मू, ठीक है, ये दोनों हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर की क्या है, कैपिटल हैं, एक श्रीनगर है और एक जम्मू है, ये दो हैं इसकी कैपिटल जम्मू और कश्मीर की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, लिस्ट द फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, अभी मैंने आपको देखिए पीछे पढ़ाया है फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, इंडिया को हम किस तरह से फिजिकल डिवाइड कर सकते हैं, कितने हिस्सों में, किन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये सारे हैं फिजिकल डिवीज़न्स
द नॉर्दर्न माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द ग्रेट इंडिया डिजर्ट और द थार डिजर्ट, द सदर्न प्लेट्यूज, द ईस्ट एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड। ये क्या है हमारे, इन हिस्सों में इस तरीके से हम फिजिकली डिवाइड कर सकते हैं इंडिया को। तो यही इसका आंसर होगा। देखिए आंसर, आंसर फोर, द फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया आर। ये इतना पार्ट हम बुक से ले लेंगे, उसके बाद आर आर करके नेक्स्ट लाइन ये सारे पॉइंट्स उतार देंगे जो हमने बुक में आपको लिखा है, यहाँ पर अभी समझाए थे थोड़ी देर पहले चैप्टर में। फर्स्ट द नॉर्दर्न प्लेन, सॉरी द नॉर्दर्न माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन्स, ऊपर नीचे हो जाते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सब याद होने चाहिए बस, सीरीज नहीं है ऐसी कोई, ठीक है। द नॉर्दर्न प्लेन, द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द ग्रेट इंडिया डिजर्ट और द थार डिजर्ट, द सदर्न प्लेट्यूज, द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। इस तरीक़ों से मतलब इतने हिस्सों में हम फिजिकली डिवाइड कर सकते हैं इंडिया को। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच स्टेट आर नोन एज द सेवन सिस्टर। अभी मैंने आपको बताया सेवन सिस्टर के बारे में, सेवन सिस्टर उनके नाम बताने हैं कौन कौन से हैं। यहाँ लिखा है द सेवन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, जो सात नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं। नॉर्थ ईस्टर्न का मतलब क्या है कि मतलब जो नॉर्थ में भी आ रहे हैं साउथ में भी आ रहे हैं, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ और ईस्ट हमने क्या कहा है नॉर्थ ईस्टर्न, तो यहाँ क्या आता है हमारा ईस्ट, यहाँ क्या आता है वेस्ट, यहाँ क्या आता है नॉर्थ, यहाँ क्या आता है साउथ। अभी ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न मतलब ना यहाँ पर आ रहा है ना यहाँ पर आ रहा है, इसके बीच के स्टेट ये, तो इसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न। ऐसे ही इसे कहेंगे हम साउथ ईस्टर्न, साउथ वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न। तो यहाँ के जो सेवन ये जो स्टेट्स हैं इनके नाम दिए हैं, इन्हें ही कहते हैं हम सेवन सिस्टर। तो इसका आंसर है यहाँ पर द सेवन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया पॉपुलरली कॉल्ड द सेवन सिस्टर। ये आपके बुक से लिया गया है, ठीक है। आंसर पूरा आर आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, ठीक है। आप बुक में वैसे टिक लगवा दे रहा हूँ, चलिए मैं आपको द सेवन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया पॉपुलरली कॉल्ड द सेवन सिस्टर, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, ये हमारा आंसर नंबर फिफ्थ। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, देखिए इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यहीं पर ही आपका चैप्टर फिनिश होता है, ये सब कॉपी में एक्सरसाइज कर लेंगे। और बुक में यहाँ पर फर्स्ट पे जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर पार्ट फर्स्ट लिखेंगे और यहाँ पर उस दिन की डेट मेंशन करेंगे जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो जाती है, ठीक है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।